ये कहानी है कोलकाता के रहने वाले म्यूजिशियन और पेंटर स्वप्न सेठ की, जो अब दिल्ली में रहते हैं। उनकी पत्नी पिछले 16 साल से कैंसर से पीड़ित है और वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पिछले 16 साल से अपने म्यूजिक और पेंटिंग से धन जुटा रहे हैं। वो अलग अलग शहर में जाकर अपने म्यूजिक से लोगों को खुशी देते हैं। उनसे मिले पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। साथ में वो अपनी बनाई पेंटिंग्स भी बेचते हैं। बता दें, कुछ समय पहले जब स्वप्न दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉफी हाउस के बाहर वायलिन बजा रहे थे, तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। स्वप्न का ये वीडियो देखने के बाद कई लोग सामने आए और उनकी मदद की। पचहत्तर साल के स्वप्न सेठ की पत्नी का इलाज इस समय मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है। वो इलाज में होने वाला खर्च अपने कमाए पैसों से करना चाहते हैं, इसलिए स्वप्न सेठ ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपने हुनर के जरिए यह मुश्किल सफर तय किया। जब हमने स्वप्न से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अब पैसों के लिए वायलिन नहीं बजाते, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। उनका मानना है कि जब लोग उनका म्यूजिक सुनकर खुश होते हैं तो दिल से दुआ देते हैं, तो वह उनकी पत्नी को लगेगी। स्वप्न सेठ की दर्दनाक कहानी सुनकर एक बार फिर लोगों का प्यार पर विश्वास कायम होगा, जो शायद आज कहीं खो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।